हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल दी मिर्ची फैन पे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे यूट्यूबर की बात करने जा रहे हैं जिसको आप अच्छी तरह जानते होंगे और शायद आप उनके फॉलोअर भी हो सकते हैं। मनोज दे ने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था और आज की डेट में उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। वो काफ़ी पुराने हैं यूट्यूब की दुनिया में और उन्होंने काफ़ी नए यूट्यूबर्स को इंस्पायर भी किया है, लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद आज उनके चैनल पे कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से वो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ये जो दिक्कत आई है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जानें कैसी क्या गलती उनसे हो गई है जिनकी वजह से वो अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने डेली ब्लॉग वाले दूसरे चैनल पर लाइव आके बताया है कि वो कुछ दिनों तक अपने मनोज टेक्निकल वाले चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम उन गलतियों की जिसकी वजह से बड़े बड़े यूट्यूबर को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब हम कभी यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं और अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। अगर हम उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो यूट्यूब हमारा चैनल डिलीट कर देता है और हम उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। इस गाइडलाइन में मेन दो गाइडलाइन होती हैं। एक होती है कम्युनिटी गाइडलाइन और दूसरी होती है कॉपीराइट गाइडलाइन। कॉपीराइट गाइडलाइन में अगर हम किसी दूसरे की वीडियो को यूज़ करके अपनी वीडियो बनाते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो जिसकी भी वीडियो को हमने यूज़ किया है अपने वीडियो बनाने के लिए वो हमें कॉपीराइट भेज सकता है। ये तो होती है हमारी कॉपीराइट गाइडलाइन। एक होती है हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन जिसको हमें फॉलो करना होता है जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। तो कम्युनिटी गाइडलाइन ये चीज़ होती है कि हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का प्रमोशन अपने वीडियो में नहीं करें जिसका परमिशन यूट्यूब ने हमें नहीं दिया है। जैसे हमारी कुछ एप्लीकेशन होती है, जैसे बैटिंग एप्लीकेशन होती है जहाँ पर हम बैट वगैरह लगाते हैं और उससे पैसे अर्न करते हैं, इस तरह की एप्लीकेशन के को हमें अपने यूट्यूब की वीडियो में प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह की वीडियो बना के और इस तरह के एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं तो वो यूट्यूब हमें कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमारे चैनल पे स्ट्राइक आता है। और अगर हम पहले स्ट्राइक हमारे पास आता है तो हम 7 दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाते अपने चैनल पर, और अगर फिर से हम वही दोबारा से यूज़ करते हैं, दोबारा हम फॉलो करते हैं तो 14 दिनों के लिए हमारा चैनल सस्पेंड हो जाता है, और अगर उसके बाद भी अगर हम ये कंटिन्यू करते हैं तो 90 डेज के लिए हमें यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करने देते। तो ये होती है कम्युनिटी गाइडलाइन। तो मनोज दे ने भी कुछ ऐसा ही किया अपने चैनल पे। वो एक वीडियो बना रहे थे जहाँ पे उन्होंने एक ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट किया जो बैटिंग कैटेगरी में आता है और जिसकी वजह से यूट्यूब ने उन्हें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेजा है, जिसकी वजह से वो अपने टेक्निकल चैनल पे 7 दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने अपने ब्लॉग वाले चैनल पर आके बताया कि वो 7-8 दिन तक कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि उनके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आया जिसकी वजह से वो 6-7 दिन या हफ्ते दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देख सकते हैं कि इस तरह के पुराने यूट्यूबर को यूट्यूब ऐसी गलती करने पे नहीं छोड़ रहे हैं तो नए यूट्यूबर के बारे में क्या ही हो सकता है। तो आप जब भी वीडियो बनाएँ तो प्रॉपर ध्यान रखें यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसी का, उसको फॉलो करके ही अपनी वीडियो बनाएँ और चैनल पर अपलोड करें सो दैट इस तरह की समस्या आपके चैनल पे ना आए और आप अपनी कोई भी वीडियो अपलोड ना करवाएं।